हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। डिजाइनिंग करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस ही हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो मैं हूं जारिस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। सबसे पहले हैं, वैसे हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं पर मैं आपको कवर कर देता हूं वापस, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। सिलेक्शन से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए, शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक करोगे, सिलेक्शन बनाने के बाद, जैसे कि अभी मैं किसी भी एरिया में जा सकता हूँ, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम कहीं पे भी कैसा भी शेप में बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपको परफेक्टली स्क्वायर बनाना है तो आप सिलेक्शन बनाने के बाद शिफ्ट की का यूज़ करें। जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देन फिर आप माउस को रिलीज करें पहले, देन फिर आप की को रिलीज करें। ओके, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटता है, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। सेम सर्कल के साथ भी होता है, सर्कल को आप ड्रॉ करोगे तो आप आउल बना सकते हो या किसी भी शेप में सर्कल बना सकते हो, लेकिन आपको परफेक्टली सर्कल बनाना है तो आप जैसे ही शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो परफेक्टली सर्कल बनेगा, ठीक है। देन फिर जो आपको साइज चाहिए, छोटा या बड़ा जैसा भी, देन आप पहले माउस को रिलीज करें, देन फिर की को रिलीज करें। ओके, कलर फिल कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, न्यू लेयर लें, यहां से कलर सिलेक्ट करें, जो भी आपको कलर चाहिए। ओके, एल्ट डिलीट जो की होती है उसको प्रेस करें, आपका कलर फिल हो जाएगा। देन कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है आपका, कोई पहले ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे ये पिंक कलर में हमारा सर्कल बना हुआ है, तो बने बने ऑब्जेक्ट में कलर कैसे फिल करें अगेन, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी लेयर पर जाए, उसकी लेयर का जो ये बॉक्स होता है उस बॉक्स पर पहले कंट्रोल की प्रेस करें कीबोर्ड में से, और उस बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने पर एक सिलेक्शन बन जाता है ऑटोमेटिक उसी शेप का जैसा आपका शेप होगा। देन अगेन सेम प्रोसेस, जो कलर आपको फिल करना है, देन एल्ट डिलीट कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के। थर्ड ऑप्शन है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के साइज में फेर बदल करना है, उस ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी लेयर सेलेक्ट करो कीबोर्ड में से कंट्रोल, देन उसके साथ में टी, टी फॉर टाइगर, कंट्रोल टी प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आपके सामने ट्रांसफॉर्म के पॉइंट्स आ जाते हैं उस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। अब आप क्या करें, अगर आप डायरेक्टली आपको यही शेप चाहिए है ना, आपको इसी शेप में बड़ा करना है छोटा करना है, अगर आप डायरेक्टली किसी भी कॉर्नर को पकड़कर बड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे तो देखो उसका शेप बिगड़ जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, अगर आप प्रॉपरली अच्छे से नहीं करोगे तो शेप बिगड़ जाएगा। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ जिससे मैं अंडू आ जाऊं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करें, किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली बड़ा छोटा करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप क्या करें, कंट्रोल टी करने के बाद में कीबोर्ड में से शिफ्ट एंड एल्ट बटन, शिफ्ट एंड एल्ट बटन दोनों साथ में दबा कर रखें, ठीक है। और कोई भी कॉर्नर पकड़ लीजिए आप, पकड़ कर माउस से आप जब बड़ा छोटा करेंगे तो देखो वो इक्वली बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। कोई भी कॉर्नर पकड़ सकते हैं आप, वो चारों तरफ से बड़ा छोटा हो, ठीक है। और जो साइज आपको चाहिए वहां माउस रिलीज करें, दोनों की को रिलीज करें, देन एंटर प्रेस कर दें ताकि ये ट्रांसफॉर्म से रिलीज हो जाए, फ्री हो जाए हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्थ ऑप्शन है आपका जूम टूल। जूम टूल के लिए आप क्या करें, जैसे कि कोई दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, क्योंकि जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो
तो हाइट कितना भी हो सकता है जब आप ऐसे कोई डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि अगर आपको जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं तो वेब पेज जो बनते हैं, वेबसाइट के जो पेज बनते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे, या कोई ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अगर हाइट लंबी है तो ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं, है ना। तो उन ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए या उनकी लेयर कहाँ पर हैं वो हमें चेक करने के लिए हमें जूम की ज़रूरत पड़ती है। तो जूम कैसे करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखें कीबोर्ड में से और प्लस, तो जैसे आप प्लस दबाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, देन माइनस दबाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट छोटा होगा, ठीक है। छोटा करते हैं तो आपको जो आपका कैनवास है वो फिट टू स्क्रीन आ जाता है, ठीक है, ताकि आपको पूरी अपनी डिज़ाइन समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बनाया या किस तरह से बनाया। और जूम के अंदर क्या होता है, आप अपना ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने जूम किया, लेकिन मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, दो सर्कल बनाए थे, एक टॉप पर है एक बॉटम पर है। मुझे टॉप वाला हाफ नजर आ रहा है और बॉटम वाला बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, मुझे बॉटम पर जाना है, ठीक है। तो इसके साथ में स्पेस बटन दबा दीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट पर पहुंचना है या उसके चेंजेस करने, कुछ भी करना है, व्हाटएवर, आप स्पेस बटन दबाए। जैसे आप स्पेस दबाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो हैंड में बदल जाएगा, हैंड आइकन में बदल जाएगा। अब आप माउस से क्लिक करके ड्रैग करें इस तरह से, ठीक है, तब उस ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे और जो उसके साथ करना है, कलर फिल करना है, जो भी चेंजेस करना है आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाले ऑप्शंस पे जाना है, जैसे आपका कैनवास फुल जूम है, अगर आपको ऊपर वाले ऑप्शंस पे जाना है, ऊपर वाले लेयर पे जाना है, तो अगेन स्पेस प्रेस करें और मूव करें, ठीक है। तो ये है जूम टूल, कंट्रोल प्रेस करेंगे माइनस से जूम आउट होगा और प्लस करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे, प्लस की ध्यान रखना, कंट्रोल देन प्लस की। ठीक है, इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और स्पेस दबाकर आप कैनवास को मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है आपका, अगर आपको कोई न्यू फाइल ओपन करनी है, जैसे आप इस कैनवास पे आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई इमेज, ऐसी इमेज है या कोई ऐसा डॉक है, डॉक्यूमेंट है जो आपको ओपन करना है, ठीक है, फोटोशॉप पे, लेकिन आप चाहते हो कि वो अदर फाइल में ओपन हो, वो एक अलग ही फाइल पे ओपन हो, ठीक है। तो आप क्या करें उसके लिए, जो भी आपकी फाइल है उस फाइल को पिक करें यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। पिक करने के बाद में आपको क्या करना है, फोटोशॉप जहाँ ओपन है आपका टास्क बार पे, वहां जाए, उसके ऊपर लेके जाए, ठीक है, इस तरह से। आपको फाइल छोड़नी नहीं है जब तक वो फोटोशॉप ओपन ना हो जाए। ओपन होते ही फोटोशॉप आप यहां उस फाइल को ड्रॉप करें ऊपर की तरफ, आप उस फाइल को यहां ड्रॉप करें। तो जैसे ड्रॉप करेंगे तो देखिए न्यू फाइल हमारी ओपन हो चुकी है यहाँ पे, ये हमारी वो फर्स्ट फाइल जिस पे हम वर्क कर रहे हैं और ये वो फाइल जो हमने ओपन की है, ठीक है। सिक्स्थ ऑप्शन है हमारा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका आपने सिलेक्शन बनाया है या इस ऑब्जेक्ट की कटिंग करके, कटआउट बनाकर, ये आपको अपनी मेन फाइल पे चाहिए, यहाँ पर चाहिए, ठीक है, आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, आप वट एवर, आप एक कोई बैनर बनाना चाह रहे हैं या आप एक कोई पैम्पलेट बनाना चाह रहे हैं, तब उस ऑब्जेक्ट को अपनी मेन फाइल पे लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन बनाने के बाद आप कंट्रोल जे करें ताकि वो जो आपने सिलेक्शन बनाया है वो बाहर आ जाए, कंट्रोल जे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ लेयर बन चुकी है उसकी, मूव टूल लें, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ें, ठीक है, और जो हमारी लेयर है जिस पे हम डिजाइन बना रहे हैं वहां पर इस लेयर को लेके जाएं, इस तरह से, ठीक है। ये हमारी डिजाइन ओपन होगी, सॉरी, ये हमारी जो फाइल है ओपन हो गई और हमारे कैनवास पर लाकर वो डिजाइन ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ओके। अब ये काफी बड़ा है क्योंकि जहां से हमने इसको पिक किया था वो फाइल बहुत बड़ी थी, वो बहुत बड़े रिजोल्यूशन की थी, तो ये हमने ड्रॉप किया और हमारा जो मेन कैनवास है वो छोटा है, कोई बात नहीं। तो अभी हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन पढ़ा था, कंट्रोल टी करेंगे इस ऑब्जेक्ट पे और शिफ्ट एल्ट को दबाएंगे, शिफ्ट एल्ट, ताकि ये चारों तरफ से इक्वली छोटा हो। अगर मैं शिफ्ट एल्ट ना दबाऊं और मैं छोटा करूं, देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना,
तो गड़बड़ है वो। कंट्रोल जेड करता हूं मैं अंडू, शिफ्ट एल्ट का यूज करें और इक्वल इसको छोटा करें आप, देन एंटर से रिलीज करते हैं। सेवंथ ऑप्शन है आपका कि जो लेयर्स हैं इनका मैनेजमेंट हम कैसे करें। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि देखो ये दो लेयर बनी हुई है ब्लू कलर में, ये रही ब्लू कलर, और रेड कलर में ये रही ऊपर टॉप पे रेड कलर। ठीक है, तो जो प्लेसमेंट यहां होगा लेयर का वही प्लेसमेंट आपको यहां समझ में आएगा इजीली। देखिए सबसे ऊपर रेड लेयर है, तो देखो सबसे ऊपर आपको रेड लेयर नजर आ रही है। बॉटम में कौन सी है, ब्लू लेयर है, तो बॉटम में ब्लू लेयर नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहां से इस रेड लेयर को पकड़कर ब्लू वाली के नीचे शिफ्ट कर दूं तो देखिए क्या होगा, वो हाइड हो जाएगी, है ना। हाइड क्यों हो रही है, क्योंकि जो ब्लू वाली है उसकी साइज से बड़ी है, क्योंकि जो ब्लू वाली है उसकी साइज से बड़ी है ना। लेयर वो ऑलरेडी वहां पे है, वो हाइड हो चुकी है। ठीक है, और देखिए इजीली आप समझ पा रहे हैं कि जो लेयर ऊपर होगी वो आपको फर्स्ट दिखेगी और जो लेयर नीचे होगी वो आपको बॉटम में नजर आएगी। अब देखिए मैं मूव टू ले रहा हूँ, रेड वाली लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं उसको पकड़ के राइट की तरफ मूव करूंगा तो जैसे ही उसका, ये देखिए आपको इंडिकेट भी हो रहा होगा कि यहां हमने वो लेयर को पिक किया हुआ। अब देखिए, ठीक है, तो ये मीनिंग है इस चीज का कि लेयर पैनल इस तरह से वर्क करती है, जो लेयर ऊपर होगी वो आपको सबसे टॉप पर दिखेगी अपने डिजाइनिंग में, और जो लेयर नीचे है वो उस डिजाइन के जो भी उसके ऊपर लेयर होगी वो उसके जस्ट नीचे की तरफ होगी। ठीक है, इस तरह से आप लेयर पैनल को समझिएगा। तो जब भी आप डिजाइनिंग करें, आपको लग रहा है कि यार मैंने लेयर बनाई हुई है लेकिन वो नजर नहीं आ रही है, तो आप चेक करें उसके ऊपर कोई बड़ी लेयर तो नहीं है कि वो हाइड हो चुकी है, तो आपको इन लेयर्स को ऐसे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है लेयर पैनल का इजी यूज। तो गाइज यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, छोटे से ऑप्शंस हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है ये। डिजाइनिंग करने से पहले ये ऑप्शंस बेहद जरूरी हैं, तो इनको एक बार आप चेकआउट करें, देन फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो डिजाइनिंग से रिलेटेड होगी, जो हमने सिलेक्शंस टूल पढ़े हैं और उसके साथ जो ऑप्शंस हमने यूज़ किए हैं उन सबको मिलाकर हम एक कोई मीनिंगफुल चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियोस को वॉच करते रहें, एंजॉय करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।